नमस्कार, आज आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है जैसे कल था। और ये है मसाला, ये मैजिक यानी कि मैगी का मैजिक मसाला, या फिर इसको क्या कहेंगे। ये मसाला हम सब की मम्मियों को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उन सभी के बेटे बेटियां, पति और जो भी घर पर रहते हैं, सब लोगों को ये मसाले के बाद खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐसा ये सारे मैगी के एडवर्टाइजमेंट में कहते हैं, लेकिन मुझे ये मैजिक मसाला काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसको कोई भी सब्ज़ी में बस काट के डाल दो और वो मस्त सब्ज़ी बन जाती है। तो ये है बड़ा सा मैजिक मसाला का पैकेट, और इसको लिया था 60 रुपये में। 5 रुपये का एक आता है, मतलब इसके अंदर है टोटल 12 मैगी मसाला ही मैजिक। तो इस रिव्यू के बारे में मैं आपको क्या कहूँ। आपने अगर ये खाया है तो आपको भी पता होगा कि इसकी टेस्ट काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी सही है, और मुझे भी इसकी टेस्ट पसंद है। और जैसे इन्होंने बताया कि भिंडी की सब्ज़ी में अगर आप ऊपर से ये डाल देते हो तो फिर एकदम ख़तरनाक भिंडी बन जाती है। तो वैसे ही इसके अंदर बहुत सारे मसाले हैं, इसमें आयरन है, आयोडीन है और कुछ विटामिन है, ऐसा ये कह रहे हैं। लेकिन इसके अंदर आयोडीन तो 100% है, बाकी सारी चीज़ें भी होंगी। इस मसाले को खाइए, ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि यार हर पैक की हुई चीज़ थोड़ी सी ख़राब तो होती ही है। लेकिन इसमें क्या है मुझे पता नहीं। मैगी बचपन से मैं खाते आ रहा हूँ और अभी तक मैं ज़िंदा हूँ और एकदम मस्त टकाटक हूँ। ज़िंदगी में ये मसाला आपको एक बार तो एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यार ये मसाला बहुत सही है, मेरे को तो अच्छा लगता है। अगर आप मुझे कमेंट्स में पूछोगे या फिर मेरे को रिक्वेस्ट मत करना, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मुझे सिर्फ कमेंट्स में बताना या फिर मुझे बस पूछना या फिर एक कमेंट कर देना कि भाई इसको लेके कुछ मस्त तगड़ी सी रेसिपी बना के हमें दो, तो फिर मैं आपको मस्त रेसिपी बना के दिखाऊंगा इस मसाले के साथ। सिर्फ ये मसाला और दूसरी कोई तो सब्ज़ी और बीच में थोड़ा बहुत प्याज मैं आपको बताऊंगा। और इसकी सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसको आप वापस से जिप लॉक करके रख सकते हो। सपोज़ आपने आधा मसाला यूज़ किया, आधा बचा है, तो इसको बस जिप लॉक कर दीजिए और पूरा मसाले का पैकेट अंदर रख दीजिए और मस्त एक नंबर टाइट हो जाएगा वो। और फिर इसको पानी में भी शायद से डुबा सकते हो, लेकिन पानी में डुबाओ मत इसको। गलती से डूब गया तो फट से निकाल के सुखा देना, जैसा वैसा पता नहीं कैसा।